मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री आसन किमान दिन থাকিব আমি বিনা কাপুরেৰে আহিছো বিনা কাপুরেৰে যাম কিন্তু ইতিহাসে আমাক মনত ৰাখিব কলকাতাত মমতা বেনাৰ্জী কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই উদ্দাত্ত ভাষণ জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ খবৰ এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রী আসন কিমান দিন থাকিব আমি বিনা কাপুরেৰে আহিছো বিনা কাপুরেৰে যাম কিন্তু ইতিহাসে আপোনাক মনত ৰাখিব কলকাতাৰ মমতা বেনাৰ্জী কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উদ্দাত্ত ভাষণ পুনৰবাৰ জনাইছো এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু এবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰিলে মমতা বেনাৰ্জী মুখ্যমন্ত্রীৰ আসন কিমান দিন থাকিব আমি বিনা কাপুরেৰে আহিছো বিনা কাপুরেৰে যাম কিন্তু ইতিহাসে আপোনাক মনত ৰাখিব কলকাতাৰ মমতা বেনাৰ্জী কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উদ্দাত্ত ভাষণ আৰু কলকাতাৰ মমতা বেনাৰ্জী কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দিলে উদ্দাত্ত ভাষণ পুনৰবাৰ জনাইছে এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্রীৰ আসন কিমান দিন থাকিব আমি বিনা কাপুরেৰে আহিছো বিনা কাপুরেৰে যাম কিন্তু ইতিহাসে আপোনাক মনত ৰাখিব কলকাতাত মমতা বেনাৰ্জীক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উদ্দাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সেই ভাষণ আপনাদের আগবাইছ उसमें भी हो जाएगा लेकिन आप लोग सोचिए उनका मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने में इतराज नहीं है कहां में उनका इतराज है कि मोदी को 400 की सीट क्यों चाहिए मतलब उनको भी मालूम है कि 400 सीट आने में मोदी कुछ बड़ा करने वाला है वो बड़ा क्या है जब 300 सीट हमें मिला 500 साल पहले बाबर ने रामलाला का मंदिर को ध्वंस करके बाबरी मस्जिद बनाया था मोदी जी को 300 सीट मिला और मोदी जी ने राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा किया 500 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ा 500 साल बाद मोदी जी ने रामलाला का प्रतिष्ठा किया लेकिन भाइयों और बहनों क्या हमारा लड़ाई रामलाला में ही समाप्त हो जाएगा आप लोगों को मालूम होना चाहिए और मैं जानता हूं आप लोग जानते हो हमारा मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था लेकिन मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है वो कृष्ण जन्मभूमि में औरंगजेब ने शाही ईदगाह बनाया हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर का सामने ज्ञानवापी मंदिर होते थे और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था मैं आप लोगों से विनती करता हूं मोदी जी को 400 सीट दीजिए हमें कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है और हमें ज्ञानवापी मंदिर भी बनाना है भाई और बहनों मथुरा बाकी है काशी मथुरा बाकी है भाई और बहनों 500 साल पहले जब हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हुआ था वो समय भी और आज भी हम लोगों का तीन ही मांग है हमें रामलाला दीजिए हमें काशी दीजिए
हमें मथुरा दीजिए, उसका आगे हमारा किसी का साथ टकराव नहीं है। भाई और बहनों, हमें मोदी जी को 400 सीट देना है और काशी मथुरा में भी भव्य मंदिर हमें बनाना है। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है हमारे जो कश्मीर, वो कश्मीर में 370 धारा थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ाई लड़ा कि एक देश में एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए। दो दो निशान, दो दो प्रधान नहीं हो सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन को बलिदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने 370 धारा नहीं हटाया। आपने मोदी जी को 300 सीटें दिए और मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना को साकार किया, 370 धारा हटाया। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरा कश्मीर आधे टुकड़ा अभी भी पाकिस्तान का साथ है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है, लेकिन वो कश्मीर भी हमारे हैं। आप मोदी जी को 400 सीट दीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी हमें भारत में लाना है। भाई और बहनों, वो हमारे कश्मीर है। आज आप लोग देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में आंदोलन होते थे आजादी का, जम्मू कश्मीर में लोग रास्ते में आते थे कि हमें पाकिस्तान को जाने दीजिए। अभी मोदी जी का करिश्मा देखिए, 10-15 दिन से 10-15 दिन से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हंगामा हो रहा है कि हमें भारत जाने दीजिए, हमें भारत जाना है। आज आप लोग देखिए, जो पाकिस्तान भारत को भारत तक आतंकवादी भेजते थे, आज पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यूएन में रो रहा है कि भारत हमारा पाकिस्तान में आके लोगों को मार रहा है। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यूएन में बोल रहा है। पहले क्या था, काश्यप भारत आते थे, अभी काश्यप भारत नहीं आते थे, अभी हमारे लोग पाकिस्तान बोलते हैं कि अभी भारत का लोग पाकिस्तान आते हैं और भारत का दुश्मनों को पाकिस्तान में ही मार गिराते हैं। ये पाकिस्तान में बोल रहा है, ये नया भारत को 400 सीट दीजिए, हमें आपको यकीन दिलाता हो, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत ला के ही रहेगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, कल सुबह मैं संदेश खाली किया था, क्या परिवेश है, माता डरते हैं, बहन डरते हैं। संदेश खाली में एक त्रास और संत्रास का वातावरण है। जब मैं संदेश खाली से लौटा तो मैंने मैं सोच रहा था कि ये जो बंगाल का भूमि है, बंगला का भूमि है, ये गुरुदेव का भूमि था, ये भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, ये भूमि राजबिहारी बसु की थे, ये भूमि श्री अरविंद चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बसु का भूमि थे, ये भूमि खुदीराम बसु के भूमि थे। आज ये भूमि किसका बन गया है? शेख शाहजहां का भूमि बन चुका है। इससे हमारे लिए दुख का बात क्या हो सकता है? भाई और बहनों, मैं जब कल संदेश थाली में था, मैं एक ही बात सोच रहा था कि ये संदेश थाली असम में होना चाहिए था। मैं शेख शाहजहां का हिसाब 10 मिनट में बराबर कर देते थे, मुझे 10 मिनट चाहिए था। आज आप ये संदेश खाली अगर उत्तर प्रदेश में होते थे, ये संदेश खाली अगर मध्य प्रदेश में होते थे, छत्तीसगढ़ में होते थे,
ये असम में होते थे, मैं 10 मिनट में ये शेख शाहजहां का हिसाब बराबर कर देते। लेकिन ममता जी कुछ नहीं बोलते हैं, शेख शाहजहां को धमकियां नहीं देते हैं। किसको धमकाता है? रामकृष्ण मिशन। किसको धमकाता है? भारत सेवा आश्रम को, जो साधु लोगों का हाथ में कुछ नहीं है, अपना पिता माता को भी छोड़ के सनातन का सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं, आज ममता जी उनको धमकाता है। ममता जी, क्या आप कोई मुल्ला को धमका सकते हो? आप क्या कोई इमाम को धमका सकते हो? आज आप किसको धमकाता है? साधु को, सन्यासियों को। आप इतना गिरा देगा बंगाल को, ये बंगाल साधु का भूमि है, ये बंगाल सनातन का भूमि है, ये रामकृष्ण मिशन का साधु लोग साइना का सीमांत में जाते हैं, जहां भारत सरकार का डॉक्टर भी नहीं जाते हैं ना, वहां रामकृष्ण मिशन पहुंच जाते हैं। एक सेवा का बहुत बड़ा इतिहास है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, आपने कितना हॉस्पिटल खोले? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, आपने जीवन में कितना स्कूल खोले? आपने जीवन में जितना स्कूल नहीं खोले, जितना हॉस्पिटल नहीं खोले, रामकृष्ण मिशन भारत सेवा संघ उससे 50 गुना ज्यादा हॉस्पिटल खुला है, स्कूल खुला है। अब ये दुख का बात है, दुख का बात है कि आज आप ये बांग्ला का भूमि को शेख शाहजहां का हाथ में सौंप दिया। क्या सही है? सीएम का कुर्सी, ये सीएम का कुर्सी कब तक रहेगा? एक दिन बिना कपड़ा हम आया हो और बिना कपड़ा जाना पड़ेगा, यही हमारा तकदीर में लिखा हुआ है। ये कुर्सी मेरा साथ नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास आपको देखेगा क्या आप ये पवित्र बांग्ला का भूमि को, विवेकानंद जी का भूमि को अपने शेख शाहजहां का भूमि बना के रख दिया। इतिहास ने, इतिहास किसी को माफ नहीं करते हैं। आप मत भूलिए, हिंदू और भारत कभी भी दुर्बल नहीं थे। जब भारत का भाग्य में औरंगजेब था, उस समय भी भारत ने छत्रपति शिवाजी को भी जन्म दिया था। जब भारत में औरंगजेब थे, तब भी गुरु गोविंद सिंह थे। जब औरंगजेब थे, उस समय में भारत में लासित बरफुकन थे। ममता जी आप सुन लीजिए, हिंदू ये भारत में थे, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप सुन लीजिए, हम रहे ना रहे, ये भारत में हिंदू है, हिंदू रहेगा। आप हिंदू को दबा नहीं सकते हो। मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, आपने ये बंगाल को क्या करके राख दिया है? हमारा जैसा लोग, हम आते थे बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का म्यूजियम देखने, हम लोग बंगाल आते थे स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने। आज हमें यहां देखने के लिए किसको देखने आना पड़ेगा? संदेश काली को। आज हमारा सामने आप क्या राख दिया है? आज पूरा भारत में एक वोट, अगर आप गूगल मारे, सबसे जो वोट पॉपुलर हो रहा है वो वोट का नाम संदेश काली है। ये वोट का नाम संदेश काली है। आज बंगाल का आइडेंटिटी दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं है। आज बंगाल का आइडेंटिटी आपने कालीघाट को नहीं रखा, आपने बंगाल का आइडेंटिटी दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं रखा, आपने संदेश काली बना दिया। मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, दीदी 70 साल हो गया, भगवान ने आप जो भी मांगा था अल्लाह ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया, कम से कम बंगाल को संदेश खाली मत देना, इतना तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, दीदी बोलते हैं कि मूल्य वृद्धि हुआ है, मोदी को मत वोट देना। मैं दीदी को पूछना चाहता हूं, यह मूल्य वृद्धि किसके लिए हो रहा है? असम में पेट्रोल का कीमत कितना है?
आप गूगल कीजिए पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी 103 रुपया कलकत्ता में है ना 103 रुपया गुवाहाटी में देखिए पेट्रोल का कीमत 96 रुपया 96 रुपीज इन गुवाहाटी एंड बंगाल 103 रुपया बंगाल बड़ा प्रदेश है कि असम बड़ा प्रदेश है अगर बंगाल 100 असम 25 चार गुना से भी कम है एक गुना असम है चार गुना बंगाल है आज बंगाल में पेट्रोल का दाम असम से 7 रुपया ज्यादा है डीजल का दाम 2.5 रुपया ज्यादा है बंगाल में दाम नहीं होगा तो कहां दाम बढ़ेगा अब क्यों डाका डालते हैं लोगों से असम जैसा छोटा प्रदेश में अगर पेट्रोल का कीमत 96 रुपया है आपका कलकत्ता में पेट्रोल का कीमत क्यों 103 रुपया है जवाब दो अब जवाब दो हमें आज हमारे बंगाल का पुलिस लोग सबसे ममता दीदी का लॉयल होते हैं रामनवमी का प्रोसेशन भी निकालने नहीं देते हैं लेकिन आप पुलिस को पूछिए आप दिए कितना रुपया मिलते हैं सब पुलिस का तो इनकम नहीं होता है ना बहुत शरीफ पुलिस है जो तंखा का सिवा सल नहीं सकते हैं जिसको तंखा चाहिए वो तंखा जिसको तंखा चाहिए इनको पूछिए आपका डीए कितना है ममता दी डीए देते हैं 14% और असम अपना सरकारी कर्मचारी को कितना डीए देता है 50% आज बंगाल देता है 14% बंगाल का जीडीपी है 11 लाख करोड़ और असम का जीडीपी मुश्किल से 5 लाख करोड़ और बंगाल अपना कर्मचारी को 14% डीए देते हैं हम 50% डीए देता हूं हम खाली मंदिर ही नहीं बनाता हूं हम मन मंदिर भी बनाता हूं हम स्कूल भी बनाता हूं हम हॉस्पिटल भी बनाता हूं भाई और बहनों 5 साल 3 साल हो गया ममता दीदी का 3 बार 13 साल हो गया नौकरी किसी को नहीं देते युवाओं का पास नौकरी नहीं है 3 साल पहले मैं चीफ मिनिस्टर बना मोदी जी ने मुझको बोला कि असम अशांत रहा अभी असम में शांति आया है तुम 1 लाख युवाओं को नौकरी देना हमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा हमें 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया 1 कोर्ट केस भी नहीं हुआ सब लोगों को मेरिट में नौकरी मिला गुवाहाटी का स्टेडियम में मैं 1 लाख लोगों को बुलाया अमित शाह जी को बुलाया एक एक करके अपना बेटा बेटी को बुला के पिता माता का सामने अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया जाओ नौकरी करो और ऐसा कहीं नहीं हरियाणा में हो रहा है यूपी में हो रहा है मध्य प्रदेश में हो रहा है छत्तीसगढ़ में हो रहा है बांग्ला में क्या होता है 23,000 शिक्षक का नौकरी होते हैं और वो 23,000 लोगों का घर से खून से 10 लाख 20 लाख रुपया पार्थ चटर्जी का घर में जमा हो जाते हैं और पार्थ चटर्जी का घर से भी रुपया बरामद नहीं होता है उनका गर्लफ्रेंड का घर से रुपया बरामद है आप देखिए उम्र है इस उम्र है गर्लफ्रेंड बनाने का क्या तृणमूल का ऑफिस में कोई टेबलेट मिलते हैं जो लोगों को जवान बना देते हैं कोर्ट में आने का समय भी पार्थ चटर्जी लाभ का सिंबल दिखाता है आप देखो मतलब कुछ ना कुछ टीएमसी तो टेबलेट पैदा कर रहा है ना टेबलेट प्रोडक्शन कर रहा है ना लोगों को जवान बना देने का आज आप लोग देखिए वो बच्चा का नौकरी भी किया पैसा भी किया और ममता जी क्या बोलता है सीबीआई क्यों आया सीबीआई पाठक को क्यों अरेस्ट किया अरे भाई 23,000 रुपया 23,000 लोगों का पैसा लूटने का बाद सीबीआई क्यों उनको सुमा खाना चाहिए था उनको क्या सुमा देना चाहिए था इसीलिए हमें ईडी चाहिए सीबीआई चाहिए पार्थ चटर्जी जैसा लोगों का पैसा लेके प्रधानमंत्री आवास योजना बने गरीब के लिए इसीलिए हमें सीबीआई और ईडी चाहिए
शिक्षक का नौकरी में भी अब पैसा लेगा, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, ये क्या है? अब गाय का भी तस्करी करेगा? आज क्या बंगाल शाहजहां पार्थो सेठ जी अनुप्रता मंडल यही बंगाल का आइकॉन बन गया? आज बंगाल का आइकॉन स्वामी विवेकानंद नहीं है, आज बंगाल का आइकॉन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है, आज नया बंगाल का आइकॉन कौन है? शेख शाहजहां पार्थ चटर्जी अनुप्रत मंडल वही लोग आज नया बंगाल का आइकॉन बना हुआ है। भाई और बहनों, ममता दीदी बहुत गर्व करते हैं कि बीजेपी आने में लक्ष्मी भंडार बंद कर देगा। अरे कितना रुपया देते हो आप लक्ष्मी भंडार में पूछो तो? 500 देते थे, फिर चुनाव आने के कारण 1000 किया। लेकिन हमारा असम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 साल से 1250 रुपया का लक्ष्मी भंडार मिलते हैं। और मेरा असम तो छोटे प्रदेश है, हम देता हूं 1250 रुपया। अगर लड़की हायर सेकेंडरी पास करते हैं, कॉलेज जाने के लिए हम स्कूटी देता हूं कॉलेज जाने के लिए, और मेरा बेटी जब यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उनको एडमिशन फ्री, मैच ड्यूज फ्री, साथ में मैं 25,000 रुपया हाथ खर्चा के लिए बेटी को देता हूं। 25,000 रुपया खाली अकाउंट में जमा कर देता हूं कि आना जाने का खर्चा, यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन फीस नहीं देना है, मैच ड्यूज भी आप जो देते हैं वो भी मैं रीइंबर्स कर देता हूं। गूगल करके देख लीजिएगा, मैं ये काली माँ का भूमि के में आके मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। और ममता जी ब्लैकमेल करते हैं बीजेपी आने से 1000 रुपया बंद हो जाएगा। ममता जी, मैं आप ठीक बोला, आप सही बोला है, बीजेपी आने में 1000 रुपया बंद हो जाएगा, कारण हमें 3000 रुपया देना है, हमें 3000 रुपया देना है, इसीलिए आपका 1000 रुपया हम बंद करने वाला हूं। माँ लक्ष्मी 1000 रुपया नहीं हो सकता है, माँ लक्ष्मी का भंडार में बेकारों के लिए नौकरी भी होना चाहिए। जो जगह में लक्ष्मी होते हैं वो जगह में पार्थ चटर्जी नहीं रह सकता है, जो जगह में लक्ष्मी सरस्वती होते हैं वो जगह में शेख शाहजहां नहीं रह सकता है। मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, बंगाल का माँ बहन को 1000 रुपया नहीं चाहिए, आज बंगाल का माँ बहनों को न्याय चाहिए, संदेश थाली के लिए न्याय चाहिए, वो दे दीजिए, हमें आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप शेख शाहजहां का हिसाब कर दीजिए, और नहीं कर सकते हो मुझको खाली एक दिन के लिए दे दो, खाली एक दिन के लिए मुझको दे दो, आपका काम मैं सस्ता कर दूंगा। हम ऐसे बहुत लोगों का हिसाब कर चुका हूं, बहुत लोगों का, गूगल करके देखिए, असम पुलिस प्लस वार्ड में मैं नहीं बताता हूं, आप खाली गूगल करके देखिए 3 साल में असम पुलिस में क्या क्या किया बोल के, खाली आप गूगल करके देखिए कितना 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, कितना लोगों को क्या किया, खाली एनकाउंट आपने खाली गूगल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसीलिए मैं दीदी को बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, शेख शाहजहां को मुझे दे दीजिए, खाली एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए, बाकी जो करना है वो मैं करूंगा, आपका सम्मान मैं बढ़ा लूंगा। आप भोग के लिए जो काम नहीं कर सकते हो ये काम मैं करके दिखा दूंगा, ये आपको मैं वचन देता हूं। भाई और बहनों, ऐसे नहीं चलते हैं, पेट्रोल का कीमत भी ज्यादा, सरकारी कर्मचारी को भी दिए नहीं मिलेगा, और बोलेगा मोदी, अरे मोदी का गुजरात जाके देखो तो एक बार, बोले नहीं नहीं मोदी मुसलमान को कुछ नहीं करते हैं, मोदी का बुलेट ट्रेन में क्या हिंदू मुसलमान दोनों नहीं उठते हैं क्या? खाली क्या हिंदू उठते हैं? मोदी का फ्लाईओवर में क्या खाली हिंदू उठते हैं, मुसलमान नहीं उठते हैं क्या? मोदी का पेट्रोल डिपो में 95 रुपया पेट्रोल खाली हिंदू लेते हैं क्या, मुसलमान के लिए 103 रुपया है क्या? सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होते, सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होते हैं।
मैं जब बंगाल में आता हूँ वाल पढ़ता हूँ, दुर्गा पूजा पूजा नहीं है, उत्सव। अरे हमारा पूजा तुम कब उत्सव बना दिया? माँ दुर्गा यहाँ में उत्सव बनाने के लिए आते हैं क्या? माँ पूजा लेने के लिए आते हैं, माँ उत्सव करने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा सेकुलर मत बनो, सेकुलर बनो, लेकिन इतना सेकुलर मत बनो कि मेरा पूजा भी उत्सव हो जाते हैं। जाओ मुसलमान लोगों का जाके बोलो कि तुम्हारा ईद उत्सव है, आपका क्या हालत कर देगा एक बार जाके देख लो। आपका गांव है तो जाके देखो, मुसलमान लोगों का ईद का दिन, आप मस्जिद में जाओ और जाके बोलो कि ये तो धर्मरम कुछ नहीं है, ये तो उत्सव है, उत्सव करो। मुसलमान लोग क्या बोलेगा? मैं नमाज पढ़ने के लिए साल भर इंतजार करता हूँ रमजान का नमाज पढ़ने के लिए, और ये नमाज को आपने उत्सव बना दिया। कोई मुसलमान मानेगा ईद को उत्सव बनाने में? लेकिन यहाँ में सेकुलरिज्म का टेबलेट दे दिया, दुर्गा पूजा उत्सव बन गया। मतलब सप्तमी नहीं होगा, अष्टमी नहीं होगा, नवमी नहीं होगा, माँ हमें आशीर्वाद नहीं होगा, माँ काला नाइट के लिए आते हैं। मैं ये पृथ्वी में माँ काला नाइट मंगाने के लिए आते हैं। ये भी सेकुलरिज्म इतना मत करो, और सेकुलरिज्म लोगों को नहीं चाहिए। सेकुलरिज्म कैसा सेकुलरिज्म चाहिए मैं आपको बताता हूं। असम में मैं मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक अधिकारी फाइल लेके आया। क्या है फाइल में? बोले साहब आपका दस्तखत चाहिए। क्या दस्तखत? बोले मद्रासा टीचर्स का सैलरी देना है, 100 करोड़ रुपया चाहिए, आप दस्तखत कीजिए। मैं बोला ये मद्रासा में क्या होता है? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। बोले नहीं सर, मद्रासा पढ़ने से तो मुल्ला बनते हैं, मौलाना बनता है, इमाम बनते हैं। मैं बोला सरकार का पैसा आप डॉक्टर बनाने में खर्चा नहीं करेगा, इंजीनियर बनाने में खर्चा नहीं करेगा, आप मुल्ला बनाने का करेगा। ये दुकान आपसे ही बंद कर। मैंने 700 मद्रासा एक दिन में बंद कर दिया, एक दिन में। ये ऑफिसर आके मुझको बोला कि साहब देश में हल्ला हो जाएगा। मैं बोला जो भी होगा मैं संभालूंगा, तुम खाली दुकान बंद करो। हमने वो मद्रासा में स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया। आज जो पहले मद्रासा था वही स्कूल के आज मुसलमान का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। उसको सेकुलरिज्म बोला जाता है। सेकुलरिज्म का मकसद शेख शाहजहां को पालना नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है गरीब को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इसको ही सेकुलरिज्म बोलते हैं। हमें सेकुलरिज्म किसी से सीखना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम ममता दी आने का पहले में भी भारत में था ये सेकुलरिज्म। हम हिंदुओं को किसी से सीखना नहीं है। भाई और बहनों, मैं मुसलमान माताओं का बीच जाता हूं। हमारा असम में 36% मुसलमान है एज पर 2011 सेंसस। 2021 का हिसाब से तो शायद 40 बन चुका है। मैं मुसलमान माताओं का बीच में जाता हूं, मैं पूछता हूं माता जी तुम्हारा कैसा है, तकलीफ है? बोले देखिए बाबा कल एक नया शादी हो गया, मुझको 10 साल पहले शादी किया, आज मेरा पति ने दूसरा शादी किया। तीसरा माँ को पूछने जाता हूं, बोले मेरा घर में तो तीसरा आ चुका है। किसी ने बोलता है मेरा घर में 4वां आ चुका है। आप बताओ अगर वो बेटी आपका बेटी होते थे, मेरा बेटी है एक, क्या मैं इसको घर में शादी करूं दूंगा? पहले जिसका 3-3 पत्नियां हैं, मर जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटी को ऐसा घर में मैं शादी नहीं करने दूंगा। लेकिन आज आप मुसलमान समाज का हालत देखो, कुछ नहीं कर सकते हो। मुसलमान माँ लोग रोते हैं, तलाक दे देते हैं, तलाक 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 कहीं भी खत्म, चला जाओ। ये बोलते हैं ना राहुल जी खटाखट खटाखट,
वही खटाखट होता है मुसलमान माँ को, एक तलाक खटाखट, एक तलाक खटाखट, एक तलाक खटाखट, फटाफट हो गया। ये कौन सा खटाखट करता है राहुल जी? मुसलमान समाज में जाओ, एक एक पति एक एक पत्नी को खटाखट 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 तलाक देते हैं। आप सच्चा खटाखट सुनो, सच्चा खटाखट का आवाज सुनो। आप जो खटाखट बोल रहे हैं वो खटाखट नहीं है, मेरा मुसलमान माँ बहिना रो रहा है, ये खटाखट का कारण। ये जो मुसलमान पोतियों का अधिकार है ना, खटाखट 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 तलाक देने का कारण वो लोग रोते हैं। भाइयों और बहनों, मोदी जी को सार सीख दीजिए, हमें ये सार सार शादी करने का दुकान बंद करना है, हमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। तैयारी पूरा है, फाइल में दस्तखत भी हो चुका है, खाली आपका सार सीट का इंतजार है। ये खटाखट खटाखट का दुकान बंद कर देता हूं, चलेगा नहीं। ये देश में जो लोग हमें सेकुलरिज्म का बात बोलते हैं ना, मैं ये लोगों को बोलता हूं, मद्रासा में जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, उनको मालूम भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं मैं तो डॉक्टर बनने गया हूं, इंजीनियर बनने गया हूं। 16 साल में उनको मालूम पड़ता है कि मेरा रास्ता बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो लोग सेकुलरिज्म का बात बोलते हैं, जो दुर्गा पूजा को उत्सव करने का बात करते हैं, मैं वो लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो बीबियों का, जो एक मर्द का सार सार बीबियां होने से उनका ऊपर क्या गिरस्ता है, उनका हालत क्या होता है, वो जाके एक बार नजदीक में देखो, फिर जाके सेकुलरिज्म हमें समझाओ। ममता जी, आप जाके देखो, बीबी घर में है, पति के लिए खाना बना के बैठा हुआ है, पति घर में आया और बुला के बोला तलाक तलाक तलाक, खाना खाना का जगह में रह गया और आपका जीवन का जो बंधन था आप मुक्त हो गया, अब आगे पीछे आपका कुछ भी नहीं मिला। ये सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है। आप ममता जी कैसे बात करते हो, आप कैसे बात करते हो? बोले नहीं, बीजेपी मंदिर बनाते हो। अरे मंदिर हमारा भगवान किसी से नहीं लेते हैं। आपको मालूम है तिरुपति मंदिर कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मां कामाख्या कितना लोगों को रोजगार देते हैं। अब काली घाट में जाइए, काली मां कितना लोगों को रोजगार देते हैं। आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाइए, दुकान से लेकर पुजारी तक कितना लोगों का रोजगार निकालते हैं। हमारा भगवान महान है। वैष्णो देवी में जाइए, तिरुपति में जाइए, काशी विश्वनाथ में जाइए, अयोध्या में जाइए, हमारा मंदिर इतना लोगों को रोजगार देते हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार दे ही नहीं सकता है। इतना रोजगार मेरा भगवान लोगों को देते हैं। आप लोग हिसाब कीजिए, भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा मंदिर है और वो 1.5 करोड़ से ज्यादा मंदिरों में 10 से लेकर 5,000 तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, घर चलता है। भारत सरकार इतना नौकरी दे सकता है? इंडियन रेलवे इतना नौकरी नहीं देते हैं जितना मेरा भगवान लोगों को नौकरी देते हैं, जितना मेरा भगवान लोगों को नौकरी देते हैं। आप ऐसे हमें हमें इंसल्ट मत करो कि मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ। क्या मंदिर नहीं बना के हमको क्या बनाना चाहिए? संदेश खाली बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? लोग मंदिर जाने से लोगों को शांति मिलते हैं, समाज में क्रिमिनल बंद होता है, ड्रग्स एडिक्ट बंद होता है। आप मंदिर को तमाशा मत समझिए। ये अगर मंदिर में कुछ नहीं मिलते थे तो स्वामी विवेकानंद साधु संत कभी नहीं बनते थे। मंदिर में कुछ मिलते हैं, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा सकता था, कारण ये मंदिर से ही उनको प्रेरणा मिलता था। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहता हूं, टीएमसी को मैं बोलना चाहता हूं,
कभी भी हिंदू का मंदिर को इंसल्ट मत करो। आपको हमने बुलाया था राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में, आप लोग नहीं आए, ममता दीदी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आए, खड़गे नहीं आए। लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत बहादुरी करा, मैंने नहीं किया। सच बात है, राम नहीं चाहते थे आप लोग आए। सच बात है, राम नहीं चाहते थे कि आप लोग आइए, इसीलिए आपका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया श्री राम ने, इसीलिए आपका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। अगर अगर आप लोग मंदिर जाते थे ना, तो उसको 400 सीट नहीं मिलते थे। अगर सोनिया गांधी राम मंदिर जाते थे ना, राहुल गांधी जाते थे ना, मैं सच बात बोल रहा हूं, एंड आई एम एडमिटिंग इन फ्रेंकली, अगर प्राण प्रतिष्ठा का दिन खारगे जी जाते थे, ममता जी जाते थे, तो हिंदू समाज कांग्रेस और टीएमसी का बारे में खराब नहीं सोचते थे। आज शायद हमारे चुनाव में हमें 400 सीट भी नहीं मिलते थे, लेकिन प्रभु राम का यही लिखा हुआ है कि मोदी जी को 33 बार प्रधानमंत्री बनना है, 400 सीट मिलना है, इसीलिए खारगे ममता बनर्जी का बुद्धि राम लाला ने भ्रष्ट कर दिया कि मत आना मेरे पास। बोलता है ना, बोलुआ नहीं आने से लोग नहीं आ सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मां ने बोलुआ दिया है तभी जाना है, बिना बोलुआ कोई नहीं जा सकता है। सरकारी इन्विटेशन तो इन्विटेशन है, जब तक मां और भगवान नहीं बुलाएगा नहीं जाना होगा। मैं 3 दिन में दिल्ली में कलकत्ता में घूम रहा हूं, लेकिन काली घाट में जाने का समय नहीं मिला है मुझको। कारण क्या है, काली माँ अभी मुझको दर्शन देने का मूड में नहीं है। तुम सुनाओ ना, जब फ्री हो जाएगा बाद में आना, अभी मत आना। मतलब जब मां नहीं चाहते हैं मैं जा नहीं सकता हूं। राम लाला नहीं चाहते थे कि ये लोग आके मेरा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को खराब करे, इसीलिए उन लोग का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और वो लोग जा नहीं पाए। लेकिन ये लोग का घमंडी है, वो लोग सोचते हैं अरे हम नहीं किया, अरे तुम नहीं किया तो क्या हुआ। लाखों हिंदू हर दिन जाते हैं, लाखों हिंदू हर दिन जाते हैं अयोध्या में, विदेश से लोग आते हैं। और मैं तो मानता हूं, जब ममता दीदी जीवन का अंत में अपना जीवन का बारे में कोई टीवी एंकर को लाके बुलाएगा ना, वो एक ही शब्द में बोलेगा कि मेरा जीवन में सबसे भूल मैंने राम मंदिर नहीं जाने का किया। आप लोग समझ लीजिए, जो लोग जिंदा होगा भगवान ममता दीदी को बड़े लंबा आयु दे, मुझसे भी ज्यादा आयु दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारे बच्चे लोग हैं 16 साल 17 साल 20 साल, एक दिन मेरा बात आप लोग याद रखिएगा, अंत में दीदी यही बोलेगा कि जीवन का मैं सबसे भूल किया, शाहजहान को शक्ति नहीं देके मैंने भूल किया। वही बोलेगा ममता दी, राम मंदिर नहीं जाने का मैंने भूल किया। वही बोलेगा ममता दी कि मैं विवेकानंद जी का भूमि को मैंने पार्थव चटर्जी अनुब्रत मंडल का भूमि बना दिया। भाई और बहनों, हमें आगे बढ़ना है। मैं सब लोगों को बोलता हूं कि हिंदू जाग उठा है, अभी हिंदू को ठंडा मत करो। किसलिए, जब हिंदू जागा है, विवेकानंद जी ने बोला था जागो, तब हमने नहीं जागा। आज हम लोग जागा हो, आज तब तक हम लोग जागते रहूंगा जब तक हम लोग भारत को विश्व गुरु नहीं बनाऊंगा, तब तक हम लोग को जागते रहना है। किसलिए, हमारे लिए भारत ही सब। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है, मैं पाकिस्तान के लिए ताली नहीं मार सकता हूं, इसलिए ये भारत मेरा जननी जन्मभूमि है, मेरा सर्वोपरि है, मेरे लिए धर्म भी पीछे है, मेरे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। हिंदू के लिए राष्ट्र का ऊपर और कुछ धर्म नहीं। जब विभीषण ने रामचंद्र को बोला था कि राम जी ये अयोध्या सोने का है, ये श्रीलंका सोने का है, आपको क्यों अयोध्या जाना है, यहां आप राजा बनिए, हम आप लोगों का सेवा करेगा। तब राम जी ने बोला था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हिंदू के लिए
ये जननी से जन्मभूमि से और कुछ बड़ा नहीं होते हैं, तो इसीलिए देश में अभी हिंदू जाग उठा है और हमें तब तक जाग के रहना है जब तक मेरा भारत विश्व गुरु नहीं बनता है। यही हमारा लक्ष्य है और मोदी जी को 700 सीट हमें इसलिए देना है कि इसलिए मोदी जी का दिन में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा संघर्ष है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 700 सीट तो मोदी जी को मिलेगा लेकिन उत्तर कलकत्ता 700 सीट में होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तपस्या जीतते कि ना जीतते, उत्तर कलकत्ता वही 700 सीटें थकते कि ना थकते, सत्ता थकते। हमारे संगे बोलन भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, तपस्वी, तपस्वी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आधा घंटा है, तपस दास आप लोग से बात करेगा, इसीलिए मैं आधा घंटा में छोड़ दिया, लेकिन आगे आके मैं बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ बंगाल में, और मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। और आप लोगों को भी जीवन में जब मौका मिलेगा एक बार भी रामलला में तो जाना ही है, रामलला में जाना ही है, और साथ में समय मिलने से एक बार कामाख्या माँ का भी दर्शन करने आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात समझ के रखिए, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदू शरण हिंदू को अत्याचार किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए वो लोगों का ऊपर बल प्रयोग किया, वो लोग भारत में आए किस लिए? हमारे बंगाली हिंदू का भारत जननी जन्मभूमि है। हमने पार्टीशन बंगाली हिंदू ने नहीं मांगा था, पार्टीशन उनका ऊपर सौंपा गया, इसीलिए उनको भारत का नागरिकत्व देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ममता दीदी जो भी बोले, सीए देश का कानून हो गया है और हम बंगाली हिंदू को नागरिकता देते ही रहेगा, ये वादा भी आप लोगों को करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।